भक्ति के मार्ग में एक ही पुरुषार्थ है, हम सब भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं। ज्ञान तो चार पुरुषार्थ वर्णन करता है, आप सब परिचित हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में इन चारों को पुरुषार्थ न मान के भक्त लोग भक्त के आचार्य कहते हैं, भक्त का एक ही पुरुषार्थ है और वह है परमात्मा की कृपा पर विश्वास। भक्त की जिंदगी में जो कुछ भी घटता है, साधना में, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह सब कुछ परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की परम इच्छा से घटित होता है। जिसका ये विश्वास हो गया वही भक्त कहलाने योग्य है, वही भक्ति मार्ग पर चलने का पात्र है। तो हम सबका एक ही पुरुषार्थ है, परमात्मा की कृपा पर विश्वास। कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से साक्षियों इस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं, आज भी फिर आगे भी थोड़ा जारी रखेंगे। किस मिस्टीरियस ढंग से, किस विचित्र ढंग से परमेश्वर की कृपा हम पर अवतरित होती है। देवी परमात्मा के दर्शन तो किसी विरले को, करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसे परमात्मा का साकार दर्शन होता है। और ये मांग भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि एक इस प्रकार का हिसाब किताब बना हुआ है। लोग समझते हैं कि परमात्मा का जिसे दर्शन हो जाता है, परमात्मा का साकार रूप जो जिसे दिखाई दे जाता है, वही भक्त है, वह बहुत उच्च कोटि का भक्त है। हम ऐसा क्यों नहीं मानते? परमात्मा वह दर्शन अपना चतुर्भुज भगवान, अनंत भुजा वाला, या स्त्री रूप में, नारी रूप में, नर रूप में, इत्यादि इत्यादि, वह तो किसी किसी को दर्शन होता है। अपनी कृपा का दर्शन तो वह हरेक को करवाता फिरता है। उसकी कृपा की अनुभूति, उसकी कृपा का दर्शन किसको नहीं होता? ऐसा महसूस करके तो आदमी संतुष्ट क्यों नहीं होता? मानो उसे परमात्मा की कृपा पर विश्वास नहीं है, अच्छा है। न जाने कितनी बार जिंदगी में अपनी कृपा का वह हमें बोध करवाता है। परमात्मा ने रक्षा की तो अपनी कृपा का बोध करवा रहा है, अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा, रक्षा करने वाला, रक्षा प्रदान करने वाला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके मुख से तो देवी वह कहलवा देता है, मम्मी यदि आज परमात्मा ने मेरी रक्षा न की हुई होती तो घर में मेरी लाश आती आज, या मैं किसी अस्पताल में पड़ा हुआ होता। कौन करने वाला है? परमात्मा ने अपनी कृपा के दर्शन करवाए कि नहीं करवाए? अब हम इस दर्शन की अवहेलना कर दें, तिरस्कार कर दें तो हमारी मूर्खता है। हम वो दर्शन तो चाहते हैं जिसमें परमात्मा चतुर्भुज बना हुआ है, या जिसमें परमात्मा मुरली मनोहर बना हुआ है, धनुषधारी बना हुआ है, लेकिन परमात्मा अदृश्य रूप में अपनी कृपा को दर्शा रहा है, कृपा के दर्शन करा रहा है। ऐसा अनुभव हम क्यों नहीं करते? ऐसा अनुभव करना चाहिए। अपनी कृपा के दर्शन परमात्मा नित्य करवाता है। दिन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब आपके मुख से ये निकल जाता है, वाह परमात्मा, वाह तेरी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। और ये सत्य भी है। कहां कहां बेटा परमात्मा हमारी रक्षा करता है। आज एक और दृष्टांत शुरू करते हैं, आगे उसको जारी रखेंगे। एक 20-25 वर्ष का युवक है, भक्ति भूमि पर कहीं किसी पेड़ के नीचे भक्ति में मस्त बैठा हुआ है। 20-25 साल का युवक, मानो उसकी आयु 20 और 25 साल के बीच बीच होगी। कहते हैं
घर से बहुत संपन्न था। ऐसा नहीं है कि कोई भिखारी था और सब कुछ छोड़ छाड़ के, भिखारी ने क्या छोड़ना, भिखारी के पास कुछ छोड़ने को है ही नहीं। छोड़े तो वह जिसके पास कुछ है, उसे कहेंगे कि उसने कुछ छोड़ा है। ये अति संपन्न व्यक्ति, घर से बहुत अच्छा, अच्छे परिवार का परिवार भी है, सब कुछ है, मानो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, विवाह तो नहीं हुआ हुआ, लेकिन इन सबको छोड़ के तो घर से वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए, साधना के लिए निकल पड़ा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ये त्याग ही अपने आप में साधना है। साधना अब शुरू करने वाला है, लेकिन परमात्मा ने तो जो कुछ वह करके आया है उसको भी साधना कंसिडर कर लिया है। ये भी तेरी साधना है, तू छोटा काम कोई नहीं करके आया, तू संसार को छोड़ के आया है, संसारियों को छोड़ के आया है। ये हर किसी के वश की बात है नहीं। अतएव परमात्मा जाते ही उसका रंग रूप बदल देता है, उसे उसके ऊपर अपना रंग चढ़ा देता है, उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा देता है, उसके ऊपर राम रंग चढ़ा देता है। वह एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। आप उसे ओजस्वी कहते हो, आप उसे तेजस्वी कहते हो, आप कहते हो इस तपस्वी को देखने को बार बार देखने को मन करता है, इसके चेहरे से नजर हटती नहीं है, बार बार देखने को मन करता है, इसके पास बैठने को मन करता है, इससे बातचीत करने को मन करता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा ही दिव्य सज्जनों, वह युवक हो गया हुआ है, साधना का शुभ आरंभ हो गया है। तो आगे की चर्चा फिर कर लेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।